ठीक, आज हम पढ़ेंगे मुंडक उपनिषद, जो कि हमारा पांचवा उपनिषद है। ये अथर्ववेद से लिया गया है। इसकी सबसे पहले हम विषय वस्तु देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है। तो यहाँ सिलेबस में जो दिया गया है वह ब्रह्म विद्या हेतु दो उपागम बताए गए हैं कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसके लिए कहा कि परा और अपरा विद्या दो विद्याएं बताई गई। फिर ब्रह्म विद्या की महानता बताई गई है, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, तप और गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन भी आता है यहाँ, ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है और ब्रह्मानुभूति। ठीक है, मतलब ध्यान का अंतिम लक्ष्य तो ब्रह्मानुभूति ही है, तो ध्यान के बारे में चर्चा की गई है और ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई है। तो हम एक एक से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि इस उपनिषद में कितने 64 मंत्र लिए गए हैं, तीन मुंडक हैं। तीन मुंडक अर्थात तीन अध्याय भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मुंडक के रूप में तीन अध्यायों को कहा गया, तो इसमें तीन मुंडक हैं। कठोपनिषद में क्या कहा गया है अध्यायों को, उसके अंदर जो अध्याय के अंदर है, वल्ली। ठीक है, हाँ, वल्ली। वेरी गुड वेरी गुड। और प्रश्नोपनिषद में क्या कहा गया है, उसमें तो प्रश्न किए गए हैं। हाँ, उसमें तो है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए पूछा जी। था। उसमें से 6 प्रश्न किए गए हैं और उन 6 प्रश्न को ही वो अध्याय के रूप में अलग अलग 6 प्रश्न 1 2 3 4 5 6 करके डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुंडको उपनिषद में यहाँ खंड के रूप में डिवाइड किया गया है कि मुंडक हैं तीन मुंडक, और तीन मुंडक में दो दो खंड हैं, अर्थात 2 4 6 खंड दिए गए हैं, मतलब 6 खंड तीन मुंडक में। ठीक है, अब शाखा देखी जाए तो यहाँ बताया गया कि अथर्वेद की शौनिकीय शाखा से लिया गया है यह उपनिषद, अथर्वेद की शौनिकीय शाखा से, पूरा याद रखिएगा, क्योंकि और भी उपनिषद हमारे अथर्वेद से जो लिए गए हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक, ये तीनों अथर्वेद से लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये शौनिकीय शाखा, इसमें विशेष बात मिलती है जो। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है इसको मंत्रोपनिषद भी कहा गया है। अब यहाँ मुंडक का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका नाम मुंडक उपनिषद है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो कहा गया कि मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान, इसको क्या कहा गया है, क्या बोलते हैं, मुंडक कहा गया है। मन का मुंडक करना मतलब हमारा जो अज्ञान है, अविद्या है, विद्या को हटाना और ज्ञान को लाना, ज्ञान की प्राप्ति करना, वह मन का मुंडन कहलाता है, तो इसीलिए इसका नाम मुंडक उपनिषद है। अब यहाँ पर जो विद्या दी गई कि किसने किसको यह विद्या दी गई है, किसकी चर्चा की गई है, तो यह विद्या जो थी अंगीरा जो ऋषि थे उन्होंने शौनक जो उनके शिष्य थे उनको परा विद्या समझाई है, तो इस विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब यहाँ पर क्रम बताया गया है सबसे पहले कि यह विद्या किससे किसके पास गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव के ज्येष्ठ पुत्र जो थे अथर्व, उन्होंने यह विद्या ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को दी, अथर्व ने यह विद्या अंगिर अर्थात जो अंगी मुनि थे उनको दिया, फिर अंगी मुनि ने भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को यह विद्या दी थी। फिर दूसरी लाइन में देखिए कि सत्यवाह ने अंगी रस को दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थर्ड में अंगिर है, अंगिर, ठीक है, और फोर्थ में जो दिया गया है तो अंगी रस है, ठीक है, फिर इन्होंने अंगी रस ने जो विद्या दी थी ये इसको शौनक को दी थी, यहाँ पर ये ऐसे भी लिख दिया मैंने सीक्वेंस, यदि ऐसे समझ में ना आए तो सीधे देखिए कि ब्रह्मवेद ने एरो नीचे करके अथर्व को, अथर्व ने अंगिरस को, अंगिरस ने सॉरी अंगिर को, अंगिर अंगिर ने सत्यवाह को, सत्यवाह ने अंगिरस को दिया, अंगिरस ने दिया शौनक को, और यहाँ पे ये साइड में लिखा था कि अथर्व कौन थे, तो यह ब्रह्मवेद देव के ज्येष्ठ पुत्र थे, अंगिर जो थे यह अंगी मुनि के नाम से भी जाने जाते थे, सत्यवाह जो थे भरद्वाज के पुत्र थे, फिर इसके बाद अंगिरस आ जाते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं है, बस अंगिरस नाम से है, और इनके जो शिष्य हैं वह शौनक थे। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या को यहाँ पर दो भागों में बताया गया है, एक तो हम देखेंगे पराविद्या और अपराविद्या, जो कि हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पराविद्या में क्या आता है, तो पराविद्या हो जाती है अक्षर ब्रह्म, ओमकार का ज्ञान दिया गया है, इसी को ज्ञान कांड भी कहा जाता है, प्रगतिवाद भी कहा जाता है, इसी को हम श्रेय मार्ग भी कह सकते हैं, जो हमारे कल्याण की ओर हमें ले जाए वह विद्या पराविद्या कहलाती है। अपराविद्या में क्या होता है कि यह चार वेद और 6 वेदांग को मिलाकर बनी हुई है, कि जहां पर चार वेद का वर्णन आए, चार वेद का ज्ञान हो जिसे, 6 वेदांग का ज्ञान हो, और यहाँ कर्मकांड की बात, रूढ़िवादी, और यह प्रे मार्ग भी कहा गया है। अब चार वेद और 6 वेदांग कौन बताएगा, 6 वेदांग बता दीजिए, वेद तो सभी को वैसे भी पता है। 6 वेदांग आपके हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
वेरी गुड, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये छह वेद, ये देखिए नीचे मैंने लिख दिया कि चार वेद कौन कौन से, ऋग, यजु, साम और अथर्वेद, ये चार वेद बताए गए हैं। और छह वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो लिए गए हैं, तो वह अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। परा विद्या में सिर्फ अक्षर ब्रह्म अर्थात ओम की बात की गई है। यहाँ पर ओमकार को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ अर्थात मुंडकोपनिषद में अक्षर ब्रह्म किसे कहा गया है, ओमकार किसे कहा गया है, तो ओमकार अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। या तो ब्रह्म को अक्षर भी नाम से, अक्षर अर्थात ओमकार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि मतलब कितने प्रकार की विद्याएं हैं, तो दो प्रकार की बताई गई है, परा विद्या और अपरा विद्या। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो अपरा विद्या के अंदर छह वेदांग और चार वेद आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनको तो बता दिया, इसके बाद परम ब्रह्म का स्वरूप की महिमा की गई है कि परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। तो हमने लास्ट उपनिषद में जितना भी पढ़ा है सेम यहाँ भी वैसी चीजें हैं, तो इस वजह से मैंने ज्यादा नहीं लिखा, जो मेन मेन चीजें थी वो लिख लिया है। यहाँ कहा गया है अदृश्यम, देखा ना जा सके जिसका, वह अदृश्य है। फिर कहा गया अगोत्रम, जिसका कोई गोत्र नहीं है, अर्थात चार जो डिवाइड होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उनके भी जो गोत्र होते हैं, सब डिवीजन जो होते हैं, तो कहा कि ये इसका गोत्र भी नहीं है। अचक्षु व श्रोतम, जिसको ना तो नेत्र है, ना कान है, ना इंद्रियां हैं। फिर कहा नित्यम विभुम, नित्य सर्वव्यापी, कहा वह नित्य भी है और विभुम का तात्पर्य है वह सर्वव्यापी है। फिर कहा लास्ट में देखिए सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ है। फिर कहा सर्वगतम सूक्ष्म, सब में फैला हुआ है, जहाँ सब जगह जो गति करता है, सर्वगतम सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत है। कहा गया है जितना महान देखना चाहो उतना महान है, और सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। फिर इसके बाद कहा गया कि अग्राहम, अग्राहम जिसको ना तो ग्रहण किया जा सकता है, जिसको ना तो पकड़ा जा सकता है, जिसको ना छुआ जा सकता है, ऐसा भी कहा गया। आवरणम कहा गया, जिसका ना तो रंग है ना आकृति है। इसमें फिर ये वर्णन भी आता है कि जिस पर छिद्र भी नहीं किया जा सकता। लास्ट जो हमने पढ़ा था ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म का स्वरूप पढ़ा था, सेम यहाँ भी वही चीजें आ जाएंगी। फिर कहा कि अपाणि पादम, अर्थात जिसके ना तो हाथ है ना पैर है, अर्थात वो तो कर्मेंद्रियों से भी रहित है और इंद्रियों से भी रहित है। फिर कहा अव्यम, अर्थात वह अविनाशी है। इतना वर्णन करने के बाद फिर कहा गया है उपनिषद में कि ये सब होने के बाद भी वह अपना कार्य पूर्णतः संपूर्ण कर रहा है, हर एक क्रिया कर रहा है। रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, वो आपने सुनी होगी, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बग जोगी। तो ये जो चार लाइन है, इन चार लाइन को ही यहाँ पर यदि देखा जाए तो बताया गया है कि ना तो उसके पैर है, ना हाथ है, ना आंख है, ना कान है, फिर भी वो सारी चीजें कर रहा है। ना तो उसकी जीवा है स्वाद लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो रस का अनुभव कर रहा है। उसके कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, नेत्र नहीं है फिर भी देख रहा है, उसका शरीर नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, सभी जगह व्याप्त भी है। तो ऐसे ये सारी चीजें इसको बताई गई है कि उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वो सभी जगह गति भी कर रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर की महिमा कही गई है। अब कहा गया कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, ये कहा गया। तो कहा कि कैसे की है ब्रह्म ने जगत की उत्पत्ति, तो यहाँ पर एक तुलना आती है। कहा गया कि जिस प्रकार मकड़ी के जाले से, मतलब जो मकड़ी होती है स्वयं अपना जाला उत्पन्न करती है, एक सेकेंड, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपना जाला उत्पन्न करती है, केश स्वयं से उत्पन्न होते हैं, रोए जो अपने शरीर में जो रोए हैं वे स्वयं से होते हैं, जिस प्रकार औषधियां स्वयं उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार ही परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है। और ये भी कहा गया कि फिर वह अपने में ही उसको समा लेता है, अर्थात जैसे उत्पत्ति करता है वैसे ही वह अपने में ही समाप्त भी कर देता है। अब यहाँ पर कहा गया कि जगत की उत्पत्ति क्रम बताया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में भी दिया गया है कि कैसे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो कहा कि परम ब्रह्म के जो संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, मतलब संकल्प रूप जब तप होता है तब वह परम ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि को प्राप्त होता है अर्थात वृद्धि होती है उसकी, बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, तब वह अन्न की उत्पत्ति करता है, फिर अन्न से प्राण। यही चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, 16 कला जो पुरुष बताया गया था, किस प्रकार किस क्रम में उसने सब चीजों की उत्पत्ति की है, और फिर उस पर उत्पत्ति करते हुए ही वह उस शरीर में उनके साथ ही निवास कर गया था।
तो कहा गया है कि वह जो ब्रह्म है, तप से ब्रह्म की वृद्धि हुई है और ब्रह्म ने अन्न को जन्म दिया, फिर अन्न की उत्पत्ति की, अन्न से प्राण की, प्राण से मन की, मन से सत्य की, सत्य को यहाँ पे लोक भी कह सकते हैं, सत्य लोक, फिर इसके बाद कर्म और फिर इसके बाद अमृतम। मतलब कहा गया जैसे देखा जाए कि हमने देखा था कि ब्रह्म ने उत्पत्ति की अन्न की, जब व्यक्ति अन्न को धारण करेगा तो वहां पे प्राणों की भी गति आ जाएगी और फिर मन भी क्रियाशील हो जाएगा, फिर सत्य की उत्पत्ति कहा कि बुद्धि सत्य को धारण करने वाली, मेरे लिए यहाँ सत्य से तात्पर्य बुद्धि से है कि सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, फिर उसके बाद लोक, तो लोक का तात्पर्य यहाँ पे है जो विभिन्न लोकों का निर्माण होता है, फिर व्यक्ति कर्म करता है तो वह पुण्य और पाप कैसे कर्म करता है उसके अनुसार वह अमृतम या तो पुण्य लोक में जाएगा या तो पाप लोक में जाएगा, तो वह अन्य अन्य योनियों में जाएगा। तो यहाँ पे अमृतम बताया कि अच्छे कर्म करेगा तो वह पुण्य कर्म करेगा तो वह अमृतम में जाएगा, अर्थात अमृता अमृत तत्व की प्राप्ति करेगा, अर्थात परमात्मा की, परम ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये रेड पेन से मैंने नीचे लिखा है कि तप ज्ञान ही तप है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ज्ञान को मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया है, तो ऑप्शन मिल जाएंगे प्राण मन तप, तो आपको क्या आंसर देना है, ज्ञान ही तप है। ठीक है, अब इसकी बात की गई है अग्निहोत्र की। अग्निहोत्र मतलब यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार से जैसे लोक के निर्माण हो गए, कर्म हो गया, तो कहा कि कर्म में आपको अग्निहोत्र भी शामिल करना है, मतलब कैसे कि हवन करना है। हवन करने की बात की गई है कि विभिन्न अग्नियों में, अग्नियों के यहाँ पे भी नाम अभी हम पढ़ेंगे, विभिन्न यज्ञ मतलब जो हर मास में किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों को विभिन्न प्रकार की अग्नियों से अनुष्ठान करते हुए, वेदों के मंत्र पढ़ते हुए, नियम पूर्वक जब व्यक्ति अनुष्ठान करता है उस अग्निहोत्र को, कर्म करता है, तो वह सुकृत मार्ग की प्राप्ति करता है। और सुकृत मार्ग ही क्या है, सुकृत मार्ग को और क्या कह सकते हैं बताइए कोई, सुकृत श्रेय मार्ग, मार्ग, श्रेय श्रेय मार्ग, मार्ग। ठीक है, वेरी गुड। और श्रेय मार्ग को क्या कहा है यहाँ पर, पराविद्या। ठीक है, तो मतलब हम इसको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है ना कि सुकृत मार्ग किसे कहा जा सकता है, तो पराविद्या आ गया ऑप्शन में, अपराविद्या आ गया तो पराविद्या। ठीक है, श्रेय मार्ग, सुकृत मार्ग, तो कहा गया कि जैसे ही अग्निहोत्र है तो अग्निहोत्र को कैसे करना, कहा वेदों को, मतलब विधिवत बताया हुआ कि है, और ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति विधिवत नहीं करता है, मतलब वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं करता है, लेकिन उसने अनुष्ठान कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया, तो उसको सुकृत मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, वो पाप योनियों में ही जाएगा भले ही वो कितना भी यज्ञ कर ले। और कहा कि प्रमाद भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया, विधिवत डेली नियम पूर्वक अभ्यास करना है, अनुष्ठान करना है, तब जाकर सुकृत मार्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर फिर बात की गई है यज्ञ की, कि जैसे बताया गया कि अग्निहोत्र करना है, तो कहा कि कैसे करना है, किनमें करना है, कौन से यज्ञ रूपी यज्ञ में अग्नि को हवन देना है, तो यहाँ पर 6 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और उनका समय बताया गया है। इनको याद रखिएगा, अच्छे से पूछे जा सकते हैं कि मुंडकोपनिषद में कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और उनका समय क्या है। ठीक है, तो कहा गया दशम, एक जो अमावस्या के टाइम पे जो यज्ञ किया जाता है उसको दशम कहा गया। फिर दूसरा बताया गया पौर्णमासम, अर्थात जो पूर्णिमा में किया जाता है यज्ञ। चतुर्मास्यम, अर्थात वर्षा ऋतु में जो किया जाता है। फिर कहा गया कि अग्राण्यम, अर्थात शरद और बसंत ऋतु में जो किया जाता है। अतिथि यज्ञ के लिए कहा गया जो प्रतिदिन किया जाता है। फिर वैश्य देवम में बात करेंगे नैतिक यज्ञों से एक, नैतिक यज्ञों में से एक है जो। ठीक है, तो यहाँ मतलब कितनी बात की गई है, पहला किया गया अमावस्या में, फिर कहीं कहीं पूर्णिमा में, फिर वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु, वसंत ऋतु में, प्रतिदिन और नैतिक। तो इस प्रकार से ये 6 यज्ञ को डिवाइड किया गया कि इस प्रकार से यज्ञ करना है, इन ऋतुओं में करना है, अर्थात ये आपका 1 वर्ष तक ये यज्ञ चलेंगे और फिर इन्हीं को रिपीट करना है। अब कहा गया कि जो इनको विधिवत नहीं करेगा, भले ही वह ये 6 यज्ञ का पालन कर ले, लेकिन वह विधिवत नहीं कर रहा, उसने वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया है, अनुष्ठान सही से नहीं किया है, तो वह सुकृत मार्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि यह देखिए नीचे दिया है, यदि शास्त्र विधि की अवहेलना करके, मतलब शास्त्र विधि कौन सी, कि वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, तो कहा उसका अवहेलना यदि की है लेकिन फिर भी अग्निहोत्र कर लिया है, उसने हवन फिर भी कर लिया है, तो उस मनुष्य को 7 पुण्य लोकों से प्राप्त होने वाले योग भोग का नाश हो जाता है, मतलब
जो भी इस यज्ञ से हमें पुण्य मिलने वाला था, जो भी प्राप्त होने वाला था, तो वह पुण्य भी नष्ट हो जाता है और वह भोग रूप चला जाता है, अर्थात उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, सब व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद बताई गई है अग्नि की 7 प्रकार की जिज्ञाएं बताई गई हैं। यहाँ पर क्योंकि यज्ञ करेंगे तो यहाँ कहा गया कि ज्वालाएं जो उठेंगी, यज्ञ आपको कब करना है कहा गया, तो जब ज्वालाएं उठेंगी, अग्नि की जो जिज्ञाएं जब उठाई उठेंगी, अर्थात लपट लपट के लिए बोले गया कि अग्नि की जब लपट उठेंगी तब जाकर यज्ञ करना है। ऐसे ही यज्ञ नहीं करना है कि अग्नि उठे ही नहीं और आपने यज्ञ कर दिया, तो उसने कहा कि जब अग्नि की लपट उठे तब यज्ञ करना है। तो कहा कि अग्नि की 7 प्रकार की जिज्ञाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ 7 प्रकार की जिज्ञाएं आती हैं। पहला है काली अर्थात काले रंग वाली, दूसरी कहा गया कराली अर्थात जो अति उग्र है, उग्र बहुत ही तेज है जो, ठीक है, जिसकी लपट इतनी तेज है कि देखने की भी शक्ति नहीं है जिसमें, उग्रता है जिसमें। इसके बाद कहा गया मनोजवा जो चंचल है, मन की भांति जो चंचल है। सुलोहिता कहा गया सुंदर, लाली के लिए हुए, मतलब जो लाल वर्ण रूप है, लाली लिए हुए है। सुधूम्र वर्ण, नाम से ही पता चल रहा है, धूम्र अर्थात धुएं के जैसे, धूम्र वर्ण वाली। स्फुलिंगनी, स्फुलिंगनी अर्थात चिंगारियों वाली। फिर कहा विश्वरुचि जो सब ओर से प्रकाशित है। तो ये 7 प्रकार की अग्नियां हैं, काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगनी विषरुचि। अब इनको याद कैसे करना है, इनको बार बार रिपीट करिएगा, और यदि ऐसे भी नहीं होता है तो जैसे मैंने तो इस प्रकार से याद किया था कि काली ने कर ली मन की जीत, मन की सुलह कर ली, मतलब काली ने कर ली मन से सुलह, ऐसे हम बोलते हैं ना कि मन से सुलह कर ली, मतलब मिल गई, और सुधूम्रवर्णी स्फुलिंगनी होके विश्व में रुचि हो गई। तो इस प्रकार से मैंने याद किया था, आप लोग भी अपनी अपनी ट्रिक लगाइएगा, या तो फर्स्ट लेटर से भी याद कर सकते हैं, और इनके नाम में ही इनके जो विशेषता है वह छुपी हुई है कि काली अर्थात काले रंग वाली, कराली जो अति उग्र है, मनो मन से है, मतलब मन से भी अधिक चंचल, सुलोहिता ला दिया हुआ ना लाल, तो लाली लिए हुए है जो, सुधूम्र अर्थात धूम्र वर्ण वाली, स्फुलिंगनी अर्थात चिंगारी, विश्वरुचि जो सब ओर से, विश्व अर्थात पूरे विश्व में जो जो प्रकाशित करे, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाली, तो विश्वरुचि हो जाएगी, ठीक है। अब इनको सभी जो हमारे चक्र हैं उनसे भी रिलेट किया गया है, तो इनको इसीलिए क्रम में याद करिएगा ताकि आपको चक्र में याद करने की प्रॉब्लम ना हो। तो काली जब आएगी तो मूलाधार हम नीचे से चक्र की ओर लेंगे कि मूलाधार से रिलेट किया गया है, फिर कराली को स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया, मनोजवा को मणिपूर्ण, सुलोहिता को अनाहत, सुधूम्र वर्णा विशुद्धि चक्र, स्फुलिंगनी आज्ञा चक्र अर्थात भू चक्र, फिर विश्व रुचि को सहस्रार। तो इस प्रकार से 7 चक्रों से इसे रिलेट किया गया है। इसका ज्यादा वर्णन नहीं आता है कि क्यों रिलेट किया गया, इसका कारण क्या है, बस इतना ही मिला है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब कहा गया कि जब आप इस जो अग्नि है, जो अग्नि की ये जो 7 जीवा है, तो कहा कि यज्ञ करना है, तो अग्नि की जब ये 7 जीवा ये लपट जब उठेंगी, तो उस प्रकार से जब यज्ञ करेगा व्यक्ति, तो कहा कि क्या फल की प्राप्ति होगी, तो कहा गया कि स्वर्ग लोक अर्थात देवलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद यहाँ पे यज्ञ रूपी 18 नौकाएं कही गई हैं, ये देखिए यहाँ पे 6 यज्ञ बताए गए हैं, और फिर लास्ट में जब हम तीसरे मंत्र में आते हैं, तीसरे चौथे मंत्र में, तो वहां कहता है कि यज्ञ रूपी 18 नौका है। तो यहाँ पर भी इसका पूरा वर्णन नहीं मिलता है, सिर्फ यही कहा गया कि ये 18 नौका की तरह हैं। तो हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि मतलब एक यज्ञ को 3 मास तक, सॉरी हाँ 3 मास तक ऐसे करते हुए, तो यदि हम 6 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 18 आ जाएगा। तो उसमें पूरा वर्णन तो नहीं आता, लेकिन एक लॉजिक यदि हम लगाएं तो लॉजिक में यही अनुमान के अनुसार यदि देखा जाए तो यही मिलता है कि जो 18 नौकाएं, मतलब 6 को मल्टीप्लाई कर दिया कि 6 की 3 3 उसको डिवाइड कर दिया, तो यह पूरा 18 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि यज्ञ को किस प्रकार से, मतलब और यज्ञ रूपी क्या है, तो 18 नौकाएं को और क्या कहा गया है, तो यज्ञ कहा गया है। तो इसलिए ये 18 नौका से याद रखिएगा कि 18 नौका अर्थात वो जो 6 यज्ञ हैं उनको कहा गया है, ठीक है। इसके बाद ब्रह्म पुरुष का शरीर, ब्रह्म पुरुष का शरीर बताया गया है कि ब्रह्म पुरुष के शरीर की तुलना कैसे की गई है, वो ब्रह्म पुरुष जो विराट पुरुष है उसका शरीर कैसा है। तो कहा जो मूर्धा है, मस्तक है उस ब्रह्म पुरुष की, तो कहा वह अग्नि है। कहा जो दोनों नेत्र
कहते हैं उस ब्रह्म पुरुष के, तो चंद्र और सूर्य है, अर्थात चंद्र और सूर्य की तुलना ब्रह्म के नेत्र से की गई है। कहा जो दोनों कान हैं, दोनों कानों को सभी दिशाओं से वर्णन किया गया कि सभी दिशाएं जो हैं वह ब्रह्म के दोनों कान हैं। वेद कहा कि जो चारों वेद हैं वो ब्रह्म की वाणी है। वायु जो है वह ब्रह्म का प्राण है। विश्व जो है वह ब्रह्म का हृदय है। इस पूरे विश्व को, पूरे जगत को ब्रह्म का हृदय कहा गया है। सोचिए, मतलब इस वजह से इसको विराट कहा गया है। कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि जिसका हृदय विश्व हो वह विराट किस प्रकार से होगा। पृथ्वी जिसका पैर है, तो इसको एक बार और देख लीजिए कि मस्तक अर्थात जो मूर्धा, मूर्धा और हमने किस उपनिषद में पढ़ा था, कौन बताएगा? अभी हमने पढ़ा था मूर्धा नाड़ी मस्तक से संबंधित भेदती है। कठो में ही पढ़ा था, कितने कठ में पढ़ा हाँ था। अच्छा हाँ हाँ कठोपनिषद में पढ़ा था कि मतलब हृदय से विदीर्ण करती हुई मूर्धा में पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्धा कहा गया कि मूर्धा अग्नि है। ठीक है, मतलब जो मस्तक है वह अग्नि है। दोनों नेत्र चंद्र और सूर्य हैं। दोनों कान सभी दिशाएं हैं। वेद को वाणिया कहा गया। जितने भी वायु है इस संसार में, जितनी वायु फैली हुई है, उसको कहा कि वह विराट पुरुष का प्राण है। विश्व जगत जितना भी ये पूरा विश्व है उसको कहा वह हृदय, और पूरी पृथ्वी जो है वह विराट पुरुष के पैर हैं। तो इस प्रकार से वेद उसकी महत्व बताया गया है, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, महानता बताई गई है विराट पुरुष के शरीर की, कि किस प्रकार वह महान है। एक बार फिर यहाँ पर जगत की उत्पत्ति का क्रम आता है। पहले हमने यहाँ पर देखा था ये जगत की उत्पत्ति में यहाँ कौन चीजों को ली गई है, तो यहाँ क्या किया गया है कि अन्न प्राण मन सत्य लोक और कर्म को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ जब हम आएंगे तो यहाँ इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया गया है। कहा कि ब्रह्म से अग्निदेव की उत्पत्ति हुई। अग्निदेव, और यहाँ पे अग्नि को ही क्या कहा गया कि सूर्य की समिधा। ठीक है, मतलब जितनी सूर्य में जितनी ऊर्जा है, इस प्रकार से वह अग्निदेव को कहा गया है। कि मेनली यहाँ पे ऊर्जा का वर्णन है कि जो ऊर्जा है, जो ज्वलन शक्ति है वह। इसके बाद कहा गया कि अग्नि से फिर सोम की उत्पत्ति हुई, सोम अर्थात चंद्रमा की। फिर कहा कि सोम के बाद मेघ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मेघ से कहा कि वर्षा की उत्पत्ति हुई, जो मेघ वर्षा करते हैं, तो कहा मेघ के बाद वर्षा की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही वह वर्षा उत्पन्न हुई अर्थात पृथ्वी में जैसे ही वर्षा हुई, तो औषधियों की उत्पत्ति हुई, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, इनका जन्म हुआ। फिर कहा कि ये औषधियों से ही वीर की उत्पत्ति हुई, पुरुष में वीर उत्पत्ति। फिर कहा कि स्त्री में जब वह वीर सिंचन हुआ अर्थात उस वीर को जब सींचा गया स्त्री में, तो फिर संतान की उत्पत्ति हुई। और फिर संतान के बाद अर्थात सभी प्राणी मात्र जो कहे गए हैं, तो सभी प्राणी मात्र की उत्पत्ति। तो यहाँ पर मेन जो बताया गया, वहां पर कर्म को प्रधानता दे दी गई है कि मतलब व्यक्ति सत्य की प्राप्ति करेगा, सत्य से फिर वह कर्म करेगा, कर्म करने के बाद वह विभिन्न लोक में जाएगा। लेकिन यहाँ पे कि कहा गया है कि उस व्यक्ति की ही उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मेन यहाँ पे व्यक्ति की उत्पत्ति बता दी गई है कि प्राण की उत्पत्ति, सॉरी प्राणी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्राणी की उत्पत्ति का क्रम बता दिया गया है कि पहले अग्निदेव, अग्नि से सोम, सोम से मेघ, मेघ से वर्षा हुई, वर्षा से औषधियां, औषधियों से वीर, वीर से स्त्री में सिंचन किया गया उसे, और फिर जाकर संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर कोई कुछ कहना चाह रहा है कि किसी का माय कौन है? ठीक है, अब कहा गया कि परम परमेश्वर से और किन चीजों की उत्पत्ति हुई है, तो कहा कि तीन वेद की भी उत्पत्ति हुई है। वह तीन वेद कौन कौन से हैं, तो कहा गया ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद की ऋतुएं। एक वेद यहाँ पर छोड़ दिया गया। ठीक है, अथर्वेद को, लास्ट वेद को छोड़ दिया गया, सिर्फ तीन वेद को लिया गया कि तीन वेद की उत्पत्ति हुई। फिर कहा गया कि तीन उच्च जीव की भी उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से तीन उच्च जीव हैं? देव, साध्य और मनुष्य। देव अर्थात जिनके, देव किसे कहते हैं, जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे और इस जन्म में वह देव बने। दूसरा, जब जन्म हुआ तो उनके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण वह देव बने। ठीक है, उनके कर्म अच्छे हैं तो देव की उत्पत्ति। फिर दूसरा जो बताया गया, साध्य अर्थात इसी जन्म में जिसके अच्छे कर्म, जो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा है, उसको साध्य कहा गया। और फिर तीसरा जो बताया गया, तो मनुष्य कहा गया जिसके कि सामान्य कर्म है, ना तो अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, ना तो पिछले जन्म के हैं ना तो अभी के हैं, जो सामान्य रूप से अपना कार्य कर रहा है, तो उसको मनुष्य कहा गया। अब यहाँ पर ये याद रखने वाली चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म से और किन चीजों की उत्पत्ति हुई है। एक तो हमने यहाँ देख ली कि
ब्रह्म परमेश्वर से तीन वेद की उत्पत्ति हुई, तीन जीव की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे सात चीजों की कल्पना दी गई है, सॉरी उपमा दी गई है कि जो सात 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 करके कि इन सात चीजों की, फिर इन सात चीजों की, फिर इन सात चीजों की, तो ऐसे करके किन किन चीजों की उत्पत्ति हुई। तो कहा कि परम ब्रह्म से सात प्राण की उत्पत्ति हुई है, फिर कहा कि सात अग्नि की ज्वालाएं की उत्पत्ति हुई है, फिर कहा सात संविधाएं की उत्पत्ति हुई है, फिर सात यज्ञ, सात लोक और संवत्सर रूप काल की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ सात प्राण से जो चर्चा की गई है। अच्छा, ये सात प्राण और हमने किस उपनिषद में पढ़े थे बताइए? प्रश्न में, प्रश्न में उसमें क्या वर्णन किया गया था, क्या कहा गया था में? क्या कहा गया था वहाँ? सात ज्वालाओं के बारे में बताया है, सात ज्वालाओं का प्रादुर्भाव हुआ है प्राण रूपी अग्नि से। प्राण रूपी अग्नि से सात ज्वालाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज बताई गई है कि सात जो प्राण है किनको कहा गया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मंत्र है, मंत्र में ये सब कुछ नहीं दिया गया। मंत्र में सिर्फ यही दिया गया कि सात प्राण, सात अग्नि, सात संविधाएं, सात यज्ञ, सात लोक और संवत्सर, ठीक है। लेकिन जो अब क्योंकि अग्नि तो हम पहले भी पढ़ चुके तो वो वही रहेंगी, संविधाएं मैं अभी बताती हूँ आपको, यज्ञ भी हमने पढ़ लिया। अब वहां पर छह यज्ञ दिए हैं लेकिन यहाँ पर सात बताए गए हैं, एक और यज्ञ कौन सा है ये भी चर्चा नहीं मिलती। सात लोक हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही सात लोक हैं, ठीक है। अब यहाँ यदि हम सात प्राण की देखें तो यदि हम प्रश्न उपनिषद के अनुसार जाएं वहां पर भी यही चीज बताई गई थी कि सात प्राण कौन से, नेत्र दो, दो कर्ण और घ्राण दो और जीवा, ठीक है। वहां पर और एक चीज कौन सी चेंज है, यहाँ जीवा वो बताया गया है, वहां मुख बोला गया था, वहां मुख बोला गया था, ठीक है। हाँ, तो वहां ये चीज चेंज मिलती है। लेकिन ना जब दूसरे व्याख्याकार के अनुसार जाएंगे तो नीचे देखिए, ये जो सात प्राण लिखा है मैंने जीवा के नीचे, तो यहाँ क्या बताया गया कि इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी और मन, इन सात चीजों को कहा गया कि ये जो है ये है सात प्राण जिनसे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो आप जब ईशादीन उपनिषद जो उनका क्या बोलते हैं गीता प्रेस वाला जब पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, नेत्र, कर्ण, घ्राण, और जब आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाला पढ़ेंगे तो ये मिलेंगे, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, जब ईशादीन उपनिषद पढ़ेंगे तो ये सात प्राण ये मिलेंगे, इंद्रिय, कान, त्वचा, और जब उनका पढ़ेंगे पंडित राम शर्मा आचार्य जी का तो उनमें मिलेगा कि नेत्र, कर्ण, घ्राण, जीवा। तो इनको आपको पढ़ तो लेना है, मैंने जानती कि पेपर में, वैसे तो पेपर में नहीं आना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि क्योंकि क्या लगा कर आएंगे, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार देखें तो ये तो याद ही कर लीजिएगा कि दो नेत्र हैं, दो कर्ण हैं, दो घ्राण और एक जीवा, और वहां पर मुख बोल दिया गया है, ठीक है। तो इनको बस आइडिया के लिए एक बार देख लीजिए, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सात अग्नि की ज्वालाएं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, काली, कराली, मनोजीवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, विश्वलिंगनी, स्फुलिंगनी और विश्वरुचि, तो ये सात अग्नियां बताई गई हैं। सात संविधाएं, सात संविधाओं का वर्णन, यहाँ पे जो सात प्राण हैं उनके ही विषय को संविधाएं कहा गया है, अर्थात विषय इंद्रियों का विषय बता दिया गया है कि सुनना, इस कान का बताया कि सुनना, त्वचा का स्पर्श करना, नेत्र का देखना, रसना का स्वाद करना, प्राण का सूंघना, और फिर कहा गया कि वाणी का बोलना और मन का मनन करना। तो इस प्रकार से ये सात विषय बताए गए हैं। सात यज्ञ, छह यज्ञ वही हमारे जो पिछले हमने पढ़े और एक का पता नहीं है, यहाँ वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। फिर सात लोक जो हैं, भू, भुआ, ये भू दो बार लिख दिया, भू, भुआ, स्वह, मह, जन, तप और सत्य, ये सात लोक का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा कि सूत्र में सिर्फ सात प्राण, सात अग्नि, सात संविधान, सात यज्ञ, सात लोक, सत संवत्सर और रूप काल, काल का वर्णन यहाँ पे समय से किया गया है, इसको भी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ काल बताया गया है, ठीक है। अब कहा गया कि जो तप और कर्म है यह सब परम पुरुष परमेश्वर ही है, कि मतलब जो तप है, जो कर्म है, वह सब क्या है, परम पुरुष परमेश्वर ही है। इसके बाद परमात्मा का निवास स्थान बताया कि परमात्मा कहाँ निवास करता है, तो सभी की जैसे जैसे अभी हमने पिछले उपनिषद में पढ़ा कि हृदय गुहा में निवास करता है, तो यहाँ भी कहा गया कि जो परमात्मा है वह गुहा चरम, गुहा चरम अर्थात हृदय गुहा में स्थित है।
ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे स्वार्थ कर्मों की निरर्थकता हमारे सिलेबस में दिया कि स्वार्थ कर्मों की निरर्थकता क्या बताई गई है। तो स्वार्थ कर्म क्या होते हैं? जो व्यक्ति अपने लिए करता है, अर्थात जो प्रेम मार्ग में ले जाने वाले होते हैं, जो सिर्फ खाया पिया, जो जीवन नॉर्मल जीवन जो व्यक्ति जीता रहता है, वह क्या होते हैं? स्वार्थ युक्त कर्म होते हैं। ठीक है, जिसको जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है, जो श्रेय मार्ग में नहीं जा रहा है, वह स्वार्थ युक्त कर्म है। तो कहा गया जो सकाम कर्म, ठीक है, सकाम कर्म का वर्णन आता है, उपासना रहे, जो उपासना नहीं कर रहा है, जिसके अंदर अविद्या है, जो स्वयं को समझ बैठा है कि मैं विद्वान हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ऐसा समझ बैठा है, तो वह मूर्ख, उसको कहा गया कि वह मूर्ख है जो अभिमान युक्त हो गया है, अर्थात जिसके अंदर अभिमान आ गया है कि मैं तो एक तो बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन फिर भी कहा गया कि वह तो मूर्ख है, उसकी क्या है, विषय में आसक्ति हो गई है, इस कारण से वह कल्याण मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कहा गया कि स्वार्थ युक्त कर्म यही होंगे कि सकाम कर्म जो करेगा, जो यह समझेगा कि मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है, मैं जो कर रहा हूँ तो सब सही है, अविद्या भी है उसके अंदर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे अंदर अविद्या है, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है ना, अज्ञान है और विषय में आसक्ति है जिसकी। तो कहा कि जो ऐसा व्यक्ति है जो स्वार्थ कर्म कर रहा है, तो उसकी निरर्थकता, मतलब निरर्थकता का मतलब यही बताया गया कि वह कल्याण के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत हीन योनि में प्रवेश करेगा। लोक में अर्थात कहा गया कि जो मनुष्य साधारण कर्म करेगा, जो सकाम कर्म करेगा, तो वह तो फिर से या तो पृथ्वी लोक में ही जन्म लेगा, या तो विभिन्न योनियों में, हीन योनियों में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ऐसी योनियों में जन्म लेगा, अर्थात अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, फिर दूसरा जब हम देखते हैं तो आता है कि तप और गुरु भक्ति। अब तप और गुरु भक्ति तो इसी के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। सकाम कर्म हमने देखा कि जो स्वार्थ कर्म थे, जो हमें प्रेम मार्ग में ले जाने वाले थे। अब जो आ गया कि यहाँ पर देखिए कि लिखा है कि कल्याण मार्ग को नहीं जान पाते हैं, तो कल्याण मार्ग कहलाता क्या है? तो यही बताएगा कि जो कल्याण मार्ग है अर्थात श्रेय मार्ग, जो पुण्य कर्म करने वाला, अर्थात जो सुकृत कर्म है, जो पराविद्या की प्राप्ति कराने वाला है, तो वह कौन सा है? कल्याण मार्ग है। अब यहाँ कहा गया कि जो संयम रूप से, यहाँ तप का वर्णन आता है कि जो संयम रूप से तप श्रद्धा सेवन करके रजो रहित सूर्य के मार्ग में जाते हैं, जन्म मृत्यु रहित अविनाशी परम पद की प्राप्ति करते हैं। मतलब कहा कि जो तप कर रहा है व्यक्ति, तो वह भी श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तप किए जा रहा है और कुछ उसे मिल ही नहीं रहा है। जैसे हमने देखा ना यज्ञ में कहा गया कि वेदों के मंत्र के साथ, वेदों के मंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जब वेद में श्रद्धा होगी, जब श्रवण में सिद्धा होगी, उन मंत्रों में श्रद्धा होगी, तब जाकर उनका तप सफल होगा। तो कहा गया कि श्रद्धा पूर्वक तप करना है और रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग में जाते हुए जन जब जाएगा व्यक्ति, श्रद्धा पूर्वक तप करेगा, तो उसका फल बता दिया गया कि वह उसको फल क्या प्राप्त होगा। तो कहा कि जन्म मृत्यु रहित हो जाएगा वह अविनाशी, जो सॉरी जन्म मृत्यु रहित जो परमात्मा है, अविनाशी परम पद है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए यहाँ बताया गया है कि अमर हो जाएगा, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। अब यहाँ कहा गया कि हाथों में संहिता लेकर वेद को भली भांति जानने वाला श्रद्धावान गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे स्वयं परम ब्रह्म को जाना हो, तभी परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है, उसमें आता है उपनिषद में, कि परम ब्रह्म का ज्ञान किसे प्राप्त होगा, आखिर परम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो कहा गया कि हाथों में संहिता लेकर, संविधा लेकर वे, ये संविधा का वर्णन ये हमने यहाँ पढ़ा था। यदि आप लोग सोच रहे हो कि संविधाएं क्या हैं, तो ये विषय रूप बताए गए हैं। अब इससे क्या तात्पर्य है ये तो मैं नहीं कह सकती, इसका मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज नहीं है संविधा का। तो यहाँ पर कहा गया कि हाथों में संविधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाला, मतलब जिसमें वेद की, जिसके अंदर वेद की श्रद्धा हो, जो श्रद्धा से वेद को जानता हो, वेद का मनन करता हो, उनके मंत्रों का उच्चारण करता हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसने स्वयं ही ब्रह्म को जान लिया हो। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर गुरु की विशेषता बताई गई है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो कहा गया जिसने स्वयं उन वेद के मंत्रों को भली भांति जान लिया हो, जिसमें उसकी श्रद्धा हो, अर्थात वेद के मंत्रों में जिसकी श्रद्धा हो, जिसने स्वयं परम ब्रह्म को भी जान लिया हो, जो प्रमाद रहित हो, ये भी वर्णन आता है कि जो प्रमाद रहित हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, तभी जाकर आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये तो गुरु के बता दिए गए। अब कहा गया कि शिष्य कैसा होना चाहिए, मतलब शिष्य आया है आपके पास, गुरु के पास यदि शिष्य आया, तो शिष्य के क्या उसके गुण बताए गए हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। तो कहा गया कि शिष्य जो है
पूर्णतः शांत चित्त, मतलब उसका जो चित्त है वो पूर्ण रूप से शांत हो गया हो, जिसका शम दम आदि साधन युक्त, अर्थात जिसने इंद्रियां मन का जो है शमन कर दिया हो, दमन कर दिया हो, जिसने उससे जो युक्त हो उसको ज्ञान देना चाहिए, अर्थात सभी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और एक बात और आती है कि जो प्रमाद रहित हो, अर्थात ये सारी चीजें तो हैं, शांत चित्त है जिसने इंद्रियों का शमन कर दिया है, दमन कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी यदि उसमें प्रमाद है, प्रमाद का तात्पर्य क्या होता है कि मतलब हम सब चीज तो है हमारे पास, लेकिन उस कार्य को करने में अकर्मण्यता हो रही है, मतलब कार्य को हम शुरुआत ही नहीं करते हैं, और आलस्य क्या हो जाता है कि बीच बीच में छोड़ देना। तो कहा गया कि वो प्रमाद नहीं होना चाहिए उसमें, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सब चीजें हैं, सब कार्य हो है, लेकिन उसको आलस्य है कार्य को शुरू करने में, तो वो प्रमाद हो गया। तो कहा कि प्रमाद रहित होना चाहिए व्यक्ति, जो भी शिष्य हो शांत चित्त होना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि शिष्य के गुण क्या हैं, तो प्रमाद रहित, शांत चित्त, शम दम आदि साधन युक्त होना चाहिए। ठीक है, ये तीन बताए गए हैं, यहाँ पे प्रमाद लिख लीजिएगा आप लोग, इसके बात की गई है कि कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य अर्थात ध्यान कैसे करना चाहिए और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, जब हम ध्यान करेंगे तो उससे किस चीज की प्राप्ति होगी। तो बताया गया कि जो ध्यान का अंतिम लक्ष्य है वह ब्रह्म है, ब्रह्म को ध्यान का अंतिम लक्ष्य कहा गया। अब कहा कि उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अक्षर ब्रह्म ओमकार की चर्चा की गई है। तो कहा कि उस ओमकार को धनुष बनाकर, उस ओमकार को धनुष बनाए, आत्मा रूपी बाण, आत्मा को बाण बनाइए, और लक्ष्य को भेदना है अर्थात ब्रह्म को भेदना है, अर्थात धनुष कहेंगे सॉरी, हाँ धनुष जो बनाना है ओमकार को, बाण बनाना है आत्मा को, और उस बाण के द्वारा भेदना है किसे, ब्रह्म को भेदना है, अर्थात आत्मा से ओमकार का उच्चारण करते हुए उस ब्रह्म को भेदना है, उस ब्रह्म की प्राप्ति करना है। और इसमें एक प्रकार से और बताया गया कि ये जो उपनिषद हैं, जो क्योंकि ये उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या इनका जो मेन विषय बताया गया है सभी उपनिषदों का, तो क्या बताया कि ब्रह्म विद्या। तो कहा कि उपनिषद को धनुष कहा गया है, धनुष कहा गया, और इनकी जब उपासना करेंगे अर्थात बाण बनाकर, इन उपनिषदों को बाण बनाकर उपासना करेंगे तो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, अर्थात उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ ये याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि ओमकार को क्या कहा गया है, तो धनुष कहा गया है, आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है, तो बाण को, और लक्ष्य कौन है हमारा, तो ब्रह्म है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया ठेकुल गया भी कि बोला गया इस है दीदी यहाँ ब्रह्म पर, क्या यहाँ पे प्रत्यंचा भी बोली गई बत... है, चित्त को बोला गया है प्रत्यंचा। अच्छा प्रत्युंजना चढ़ाना, मतलब धनुष में बाण चढ़ाना है ना। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू, लिख लीजिएगा सभी लोग, प्रत्युंजना, ठीक है, बाण चढ़ाना, जो धनुष में बाण चढ़ाई जाती है। तो किसे कहा गया है, किसे बताया आपने, चित्त दीदी वो चित्त को बताया गया को, है। चित्त को, ओके ओके ठीक है, चित्त को, थैंक यू। अब यहाँ कहा गया है कि उस ब्रह्म को कौन भेद सकता है, तो कौन भेद सकता है, अभी हमने यही देखा था कि वो शिष्य कैसा हो, तो जो शिष्य के लक्षण हैं कौन से हैं, कि जिसका चित्त शांत हो, जिसने शम दम आदि साधन युक्त हो, जो प्रमाद रहित हो, वही इस लक्ष्य को भेद सकता है, अर्थात हर कोई नहीं भेद सकता, और उस लक्ष्य को भेद करके उसी में वह तन्मय हो जाए, है ना, उसी में मिल जाए अर्थात परमात्मा में मिल जाए। अब यहाँ कहा गया कि जो ब्रह्म है प्रकाशमय है, उसको आत्मा का अर्थात अमृत का सेतु कहा गया है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि जो अमृत का सेतु है किसे कहा गया है, तो अमृत का सेतु कौन है, ब्रह्म है। ठीक है, अब कहा गया कि वह ब्रह्म रहता कहाँ है, जिसको हमें भेदना है, उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है, तो अर्थात वो लक्ष्य हमें मिलेगा कैसे, तो कहा कि वह शरीर के मध्य भाग में रहता है, अर्थात अभी हमने पिछला पढ़ा कि वह हृदय में रहता है, और फिर कहा गया कि वह सबके प्राण और शरीर का नेता भी है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबके प्राण और शरीर का नेता किसे कहा गया है, तो सबके प्राण और शरीर का नेता जो कहा गया है वह ब्रह्म को कहा गया है। ठीक है, फिर कहा गया कि ओम अर्थात ओमकार का जप करना, ओम इस नाम के द्वारा ध्यान करना है, ओम से ही ध्यान करना है, तभी आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट तो इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्होंने पंच कोश का वर्णन कर दिया है, देखिएगा कैसे। कहा कि परमात्मा मन में व्याप्त होने के कारण यह मनोमय है, मन में व्याप्त है इस वजह से यह मनोमय है। फिर कहा हृदय कमल का आश्रय लेकर,
यह अन्यमय शरीर में है, इस वजह से यह अन्यमय भी है। ठीक है, फिर कहा कि वह अविनाशी परम ब्रह्म। अब वह अविनाशी परम ब्रह्म कैसा है, तो कहा गया कि वह अविनाशी परम ब्रह्म आनंद स्वरूप है, और कहा कि उस अविनाशी परम ब्रह्म को, उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो कहा कि बुद्धिमान पुरुष उसे अपने विज्ञान से जानो। विज्ञान का तात्पर्य यहाँ बुद्धि से है, कि उसे अपनी बुद्धि से जानो। तो यहाँ यदि हम देखेंगे पंच जो कोश होते हैं, कौन कौन से होते हैं पंच कोश बताइए। अन्नमय, अन्नमय, प्राणमय, प्राणमय, मनोमय, मनोमय, विज्ञान विज्ञान में, आनंद में। ठीक है। अब देखिए ये मिल रहा है ना हमें यहाँ पे पांच कोश का वर्णन, कि पांच कोश की बात कर दी गई, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला गया है। तो कभी भी क्वेश्चन आए भी कि पांच कोश का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप यहाँ नहीं कह सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार मन में व्याप्त होने के कारण वह परमात्मा कैसा है, तो वह परमात्मा मनोमय है। ठीक है, वह अविनाशी परम ब्रह्म कैसा है, तो आनंद स्वरूप है। उसको जाना कैसे जा सकता है, वह बुद्धिमान पुरुष उसको कैसे जान सकता है, तो अपने विज्ञान के द्वारा, विज्ञान अर्थात बुद्धि के द्वारा। अब कहा गया कि जब वह, यहाँ बताया गया ना कि जब लक्ष्य को भेद लेंगे, लक्ष्य को भेद लेना अर्थात जब उसे बुद्धि के द्वारा जान लिया जाएगा तो क्या होगा, तो कहा कि हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि जीवात्मा और परमात्मा की महिमा दी गई है, कि वो दो सखा के रूप में, दो पक्षी, दो साथ साथ दो पक्षी रहते हैं। वे दो पक्षी कहाँ रहते हैं, शरीर में रहते हैं। तो कहा गया कि इस शरीर को वृक्ष की उपमा दे दी गई, कि यह जो शरीर है यह वृक्ष है और दो पक्षी उसमें निवास करते हैं। कौन कौन से हैं वे दो पक्षी, तो कहा जीवात्मा और परमात्मा। तो कहा कि फिर उसका फल कौन खाता है, वह जो वृक्ष है तो जीवात्मा खाता है फल या परमात्मा खाता है, तो बताया गया कि उसका जो फल खाता है, वह जो फल होता है दो प्रकार से मिलता है, या तो फल सुख रूप में मिलता है या तो दुख रूप में मिलता है, और उसको जो भोगता है अर्थात भोग कौन करता है, उसको खाता कौन है, तो कहा गया कि वह जीवात्मा खाता है अर्थात जीवात्मा रूपी जो पक्षी है। ठीक है, तो याद रखिएगा शरीर को वृक्ष, फल को सुख और दुख कहा गया है, और दो पक्षी की तुलना किससे की गई है, तो जीवात्मा और परमात्मा से की गई है। अब कहा गया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, तो सत्य तप और ब्रह्मचर्य से, अर्थात जब सत्य तप और ब्रह्मचर्य से निष्काम भाव से जब कर्म किया जाएगा। वेदांत शास्त्र सम्यक, ये हमने पिछले भी अभी पीछे पढ़ा है कि वेदांत शास्त्र सम्यक ज्ञान होगा, मतलब वेदों का जिसने अध्ययन किया होगा, उसमें जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको उसका ज्ञान होगा, और जिसने अपने जीवन का लक्ष्य संन्यास रथ बना लिया है, योग रथ हो गया है, जो योग के मार्ग में ही जिसको चलना है, जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है, उसे ही इस परमात्मा की प्राप्ति होगी। और तभी, और यदि उसने वेदांत शास्त्र अर्थात उसकी श्रद्धा नहीं है, उसने संन्यास को नहीं अपनाया है, उसने योग रथ नहीं हुआ है, वह निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका तप करने से भी, कितना भी वह तप कर ले, लेकिन वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद आता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। ये पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते क्या है, ये जो सत्य तप और ब्रह्मचर्य बताए गए हैं, तो इसी इसी का वर्णन आता है कि सत्य क्या है। तो यहाँ सत्यमेव जयते बताया गया है कि ये तीसरे मुंडक के जो प्रथम जो खंड है, इसका छठवा जो मंत्र है, उसमें इसका वर्णन आता है सत्यमेव जयते का। फिर बताया गया कि परमात्मा किसे प्राप्त नहीं हो सकता, ये तो बता दिया कि प्राप्ति किसे हो जाएगी, जो सत्य तप और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ठीक है, अब कहा गया कि परमात्मा की प्राप्ति किसे नहीं हो सकती, तो कहा गया बलहीन जो प्रमाद से ग्रसित है, बलहीन है एक तो, और जो प्रमाद से ग्रसित है, वह कितना भी तप कर ले, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसकी श्रद्धा भी नहीं है, यह भी है, ठीक है, लिख लीजिएगा, जिसकी वेदों में या जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, जिसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तप क्या कहलाता है, कौन बताएगा तप क्या होता है? ज्ञान, द्वंद्व को सहना, और सुख कौन दुख, बताएगा, लाभ हानि, यही और कोई बताएगा तब? तप। यहाँ पर तो ज्ञान को ही बोला गया दीदी, यहाँ पे तो ज्ञान बोला है। यहाँ पर तो ज्ञान को ही बोला गया तप। हाँ नहीं, मैं यहाँ पर नहीं पूछ रही, मैं तब का अर्थ पूछ रही हूँ, तब का अर्थ क्या है। मतलब स्वयं को प्रतिकूल परिस्थितियों में डालना।
हाँ मतलब बिल्कुल किसी भी सही। प्रतिकूल परिस्थितियों में सब ढाल लेना ही तप है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है कि ज्ञान ही तप है ना, कि ज्ञान को धारण करना ही तप बोला गया है यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। और हमने किस में पढ़ा था, केन उपनिषद में पढ़ा था, वहां पर तप को क्या कहा गया था, केन उपनिषद में पढ़ा था ना हम। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आया था तप दम कर्म। तो वहां पर हमने तप को क्या कहा था बताइए, वहां पर तो ब्रह्म कौन विद्या का बता। आधार बताया था ना उसको। वहां स्वधर्म हाँ लेकिन पालन वहां तप बताया का गया अर्थ था, भी बताया, स्वधर्म पालन, ठीक है, वहां स्वधर्म बताया पालन गया और था तप। कष्ट सहन देखिए करना। बिल्कुल, मतलब तप को दोनों जगह अलग अलग रूप से, यहाँ कहा गया कि ज्ञान ही तप है, लेकिन वहां कहा गया था कि स्वधर्म का पालन और कष्टों को सहन करना ही तप बताया गया है वहां पर, ठीक है। तो सभी में अलग अलग मतलब ऐसे मिलता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे ना तैतिरीय उपनिषद पढ़ेंगे, तो वहां पे कहा गया है ऋतम तपः सत्यम तपः, इस प्रकार से वहां बताया गया है, ठीक है। इसके बाद ये आपका उपनिषद समाप्त होता है, इसमें किसी का कोई डाउट हो, कहीं कुछ पूछना हो, कुछ छूट गया हो तो बताइए। दी लास्ट वाला यज्ञ क्या है, लास्ट में जो कहाँ, यज्ञ छठवा वाला, छठवा जो यज्ञ था जो क्या वो कामना पूर्ति के लिए होते हैं यज्ञ, उसको बोलते हैं वो ये यज्ञ? वैश्वदेवम, हाँ, नैतिक यज्ञों में जो एक है, मतलब यहाँ पर ना इनके वो तो नहीं बताए गए हैं डायरेक्ट, ठीक है, इनमें सिर्फ यही कहा गया है, मतलब यदि हम मंत्र के अनुसार चले, ऐसे तो फिर बहुत सारे व्याख्याकार ने सभी ने अपनी अपनी व्याख्या दी है कि किससे क्या होगा, लेकिन यदि हम मंत्र के अनुसार चले तो सिर्फ इतना ही वर्णन आता है कि दर्शन को अमावस्या के टाइम पे करना चाहिए, पौषम जो है पूर्णिमा के टाइम पर, फिर वर्षा ऋतु शरद ऋतु प्रतिदिन कौन सा करना है, ठीक है, इस प्रकार से बताए गए हैं। तो मेन मंत्रों पर फोकस करिए। हाँ जी बताइए। ये जो शरद और वसंत ऋतु वाले हैं, तो क्या ये नवरात्र वाले व्रत हैं? हाँ क्योंकि वही वो ही होंगे आते हैं ना यज्ञ, उस टाइम तो। हाँ 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 बिल्कुल, अग्रहण ठीक, और अतिथि जो प्रतिदिन करे व्यक्ति वो यज्ञ, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, मेन मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग ना मंत्र पर फोकस करिएगा, क्वेश्चन जो बनते हैं अभी तक जो बने हैं मंत्र से ही बनते हैं, मंत्र को एक ही लाइन की उसकी जो व्याख्या ले ली गई और प्रश्न वहां से बन जाएंगे, व्याख्याकार ने क्या कहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, दीदी तो हमारी अगर नॉलेज के लिए उत्पत्ति ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ दीदी अगर यहाँ पर उत्पत्ति बोलिए। का क्रम पूछेगा तो हम कौन सी उत्पत्ति का क्रम बताएंगे? जैसे यहाँ पर दो है, जगत की उत्पत्ति और व्यक्ति की, मतलब प्राणी की। हाँ वहां पर ना देखो ऑप्शन के अनुसार हम तो फिर जाएंगे, एक तो मतलब यहाँ पर दे दिया गया, कहाँ गया ये है ना कि जगत की उत्पत्ति, तो अन्न के बाद क्या आएगा, प्राण आएगा, प्राण के बाद मन, तो मतलब सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा यदि वहां जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल अलग ही लिया गया कि सूर्य को ले लिया गया, चंद्र को ले लिया गया, मेघ ले लिया गया, वर्षा ले लिया गया, ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, मतलब ऑप्शन के अनुसार आप जाएंगे फिर वहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन में, क्योंकि दो दो जगह दे दिए गए हैं, दो दो चीजें। जी दीदी, ओके और कोई किसी का क्वेश्चन कि मैं पूछूं अब। मैं भी मेघ जो आपने बताया था चराचर जगत की उत्पत्ति में, ये मेघ को पर्जन्य भी बोलते हैं क्या? बोलते हैं। मेघ मतलब बादल। बादल। जी यहाँ पर फिर ना और भी वर्णन आता है, लेकिन हमें पढ़ना इतना आवश्यक नहीं था तो मैंने नहीं लिखा कि मतलब ब्रह्म की ही बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, तो मेन क्वेश्चन हमारे ऐसे तो नहीं बनेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही बनेंगे, जो मेन मेन चीजें ली गई हैं कि 6 यज्ञ हो गए, 6 अग्नियां हो गई, और जो संज्ञा दी गई है कि किसको क्या कहा गया, ब्रह्म की जो विराट पुरुष का शरीर बताया गया है, विद्याएं जो बता दी गई हैं दो कौन कौन सी हैं, फिर ये सृष्टि का क्रम, इससे भी पूछा जा सकता है कि मतलब 2 4 6 ऑप्शन दे दिए और कहा गया कि इनको क्रम में जमाइए कि सृष्टि का क्रम किस प्रकार से बताया गया है, ठीक है, तो ऐसे मेन जी हमारे में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है क्रम में, यदि अभी का हम पेपर देखें तो जिसने भी दिया होगा कि ये जैसे 6 अग्नियां हैं, 7 अग्नियां दे दी और फिर इनको ऊपर नीचे लिख दिया और कहा गया कि इनको क्रम से जमाइए किसके बाद कौन सा क्रम आएगा, या तो इन अग्नियों को दे दिया और चक्रों का सामने दे दिया कि इनको रिलेट करिए कि कौन से चक्र से कौन सी अग्नि संबंधित है, ठीक है, चलिए ठीक है, स्लाइड ऑफ कर रही हूँ मैं, हटा रही हूँ।